So after the discussion of the first income under section 56 subsection 2, the next income is, that is a casual income. Generally it is to be called here as a casual income. Casual income means the income which is like a windfall. तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कैजुअल इनकम, जो न्यूमेरिकल में ज्यादातर तंग करता है. सो क्वेश्चन इज अराइज्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट विनिंग्स आर चार्जेबल अंडर दिस हेड. तो विनिंग वर्ड मैंने आपको डिटेल में पहले भी डिस्कस किया था कि यहां पे एक ऐसी इनकम है इनकम टैक्स में जहां पे वर्ड इनकम नहीं होगा, जहां विनिंग होगा और विनिंग के ऊपर टैक्स लगेगा. तो विनिंग्स चार्जेबल ऑन दैट इज अ लॉटरीज. अब आप बोलेंगे लॉटरी का मतलब क्या होता है. देखिए लॉटरी का मतलब होता है द प्राइज विच इज अवार्डेड, चाहे वो ड्रॉ ऑफ लॉट से है, चाहे बाय चांस है, या किसी पार्टिकुलर स्कीम से है. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जहां पे आपका लक काम करता है, लक एंड चांस की वजह से जब जहां आपको इनकम होती है तो वो दैट इज अ लाइक ए विंडफॉल. और जब आप विंडफॉल की तरह होती है तो इसलिए इसको हम कैजुअल इनकम में कवर कर देते हैं. डिटेल में मैंने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया है, आपको डायग्राम बनाया था मैंने रेसिस का. लेकिन यहां मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉटरी है, ये जो ये क्रॉसवर्ड पजल्स हैं, इसमें आप विनिंग फ्रॉम लॉटरी टू एन एजेंट. अब जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, वो जो एजेंट है वो लॉटरी के टिकट बेचता है. अगर वो लॉटरी के टिकट बेचता है, मान लीजिए उसके पास 100 लॉटरी के टिकट है. अब 100 लॉटरी के टिकट हैं, लेकिन उसमें से उसने क्या किया कि 80 लॉटरी के टिकट बिक गए और 20 जो है वो नहीं बिके, और इन द मीन टाइम जो है वो ड्रॉ की अलॉटमेंट डिक्लेयर होना था, तो 20 जो है उसके पास क्या बच गए, एज ए अनसोल्ड स्टॉक बच जाएगा. और मान लीजिए कि 20 के बीच का जो नंबर है उसकी लॉटरी लग जाती है, तो क्या वो कैजुअल इनकम में कवर होगी. दिस इज द क्वेश्चन. तो मैं आपको बता दूं कि विनिंग फ्रॉम लॉटरी टू एन एजेंट आउट ऑफ इट्स अनसोल्ड स्टॉक इज नॉट टू बी ट्रीटेड हियर एज ए विनिंग फ्रॉम लॉटरी. वो किसका पार्ट होगा, क्योंकि वो उसका प्रोफेशन है, उसका बिजनेस है. दैट्स व्हाई इट इज टू बी टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ द प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. तो इसलिए मैंने आपको लॉटरी के लिए कहा कि दिस इज द प्राइज अवार्डेड, दैट इज ए ड्रॉ ऑफ लॉट्स बाय चांस एंड एनी स्कीम. उसके बाद हमारे पास रेसिस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसिस. इसमें आपके पास इंक्लूडिंग हॉर्स रेसिस में मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारी रेसिस होती हैं, लेकिन मैंने कैमल रेसिस है. कैमल रेसिस के साथ मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, क्यों किया है इसके लॉजिक आगे बताऊंगा मैं आपको. अब उसके बाद रेसिस में क्या मोटर कार रैली, नो. क्यों नहीं है, क्योंकि सर मोटर कार रैली के लिए स्किल और एफर्ट की जरूरत होती है, वहां पर आपका लक और चांस का काम नहीं है, इसलिए जो है ये यहां पे टैक्सेबल नहीं होगी. तो मैंने आपसे पहले भी बताया किस्मत, तो यहां किस्मत नहीं है, यहां आपके एफर्ट लगने हैं, यहां आपकी स्किल है कि आप जो है वो मोटर कार रैली में जो है पार्टिसिपेट कर रहे हो. इनकम ऑफ द जॉकरी फ्रॉम सच प्रोफेशन. अब एज ए जॉकरी जो है आप इसका ये प्रोफेशन कर रहे हैं, जो घुड़सवार होते हैं वो क्या है, एज ए प्रोफेशन है, तो उनकी भी जो प्राइसेस की इनकम है दैट इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड. That is not to be covered under the casual income. Clear है जी बात. Okay. Card games and other games of any sort. Any sort का मतलब है जैसे entertainment programs on the electronic media. जैसे कौन बनेगा करोड़पति है आपका जो है electronic media, television के ऊपर. इस तरह की जितनी भी games हैं, ये card games हैं, जैसे आपका जुआ है, अब gambling है, betting है. अब betting तो आप उसमें cricket में भी लगा सकते हो, कहीं पे भी betting कर सकते हो आप. तो वो वाली सारी की सारी या इसी नेचर की इनकम जो हो यहां पे कैजुअल इनकम का पार्ट होगी. तो इसके बारे में मैंने जो आपको रेसिस के बारे में जो एक प्लेग्राउंड बना करके मैंने आपको जो डिटेल में डिस्कशन करी है उसका रेफरेंस आएगा यहां पे, इसलिए मैंने वहां डिटेल में डिस्कशन करी है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने उसमें तीन तरह की इनकम्स को डिवाइड किया था. ठीक है. अच्छा, अब यहां पे आपकी जो अमाउंट है वो वन होना चाहिए, अर्नड होना चाहिए, दैट इज बाय लक एंड चांस, एंड दैट अमाउंट इज टू बी इंक्लूडेड अंडर दिस हेड एज ए कैजुअल इनकम अंडर द हेड ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस. राइट. इतना मैं आपको बता दूं, ये जो कैजुअल इनकम है इसके ऊपर भी स्पेशल रेट लगता है, और स्पेशल रेट जो है वो 30% का इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है.
तो अब मैं सबसे पहले इसकी आपको प्रोविजंस बताऊंगा और प्रोविजंस का जो कंसेप्ट है वो क्लियर करूंगा. सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू टेक इनटू कंसीडरेशन. राइट, देखिए, कैजुअल इनकम इंक्लूड्स इनकम इन द नेचर ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी. बिल्कुल सर, क्रॉसवर्ड पजल्स, हॉर्स रेसेस इंक्लूडिंग कैमल रेसेस, कार्ड गेम्स एंड अदर गेम्स ऑफ एनी सॉर्ट, गैम्बलिंग, बैटिंग एटसेट्रा. ये सारे किसके पार्ट हैं जी? कैजुअल इनकम के पार्ट है. ये सर हमें क्लियर हो गया है. सच विनिंग्स आर चार्जेबल टू टैक्स एज पर सेक्शन 115BB दैट प्रोवाइड्स द दैट कैजुअल इनकम वुड बी टैक्स एट द फ्लैट रेट ऑफ 30%. ये है जी वो फ्लैट रेट. किस सेक्शन के अंदर है? 115BB के अंदर जो है वो टैक्सेबल होगा. ये आ गया जी पॉइंट आपके पास. हाँ, प्लस सर चार्ज इफ एप्लीकेबल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस तो ऑटोमेटिकली उसमें लगेगा ही लगेगा. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम. देखिए, अब इस इनकम को अर्न करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है दैट इज नॉट टू बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन. मैंने पिछले लेक्चर में भी आपसे डिस्कस किया था कि आपने 10 लॉटरीज के टिकट्स खरीदे थे, 100 रुपए आपको जो है लॉटरी लग गई, तो 10 रुपए जो है उसमें से लेस नहीं होगा. आपने 200 रुपए के टिकट खरीदे लेकिन 50 रुपए की लॉटरी लग गई तो 50 रुपए के ऊपर टैक्स लगेगा, जबकि आपको नुकसान हो रहा है वहां पे, 150 रुपए का नुकसान हो रहा है. इसलिए नो एक्सपेंडिचर और अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम. नेक्स्ट है हमारे पास, लॉस अंडर अदर हेड्स और अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ विद कैजुअल इनकम. ये देखिए हमारे पास इससे आगे एक चैप्टर आएगा, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज. तो यहां पे क्या है, लॉसेस दूसरे हेड के अंदर अगर आपके लॉस होगा या लॉस फ्रॉम द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, वो कैजुअल इनकम के अंदर जो है अगेंस्ट जो है वो सेट ऑफ नहीं होगा. एक में लॉस है, जैसे मैंने पहले हम क्या करते थे, 10 रुपए का अगर एक हेड में लॉस है, यहां पे प्रॉफिट है, तो 10 रुपए को हम इसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर देते थे. आपको याद होगा जब हम हाउस प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे तो सैलरी के अगेंस्ट हाउस प्रॉपर्टी का जो इंटरेस्ट की इनकम थी उसको सेट ऑफ कर देते थे, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं होगा. ओके, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A 80C to 80U. पहले भी हमने डिस्कस किया, पीछे वाले के साथ भी डिस्कस किया, लेकिन इसको साथ भी मैं आपको बता रहा हूं. 11A में भी डिस्कस किया था, 112A में भी डिस्कस किया था, उसके बाद हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी डिस्कस कर रहे हैं. तो यहां पे भी उसकी जो डिडक्शन है वो अंडर चैप्टर 6A के अंदर जो है वो अलाउ नहीं होगी. मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है यहीं पर है, जिसकी वजह से आपको कन्फ्यूजन ना हो. एडजस्टमेंट ऑफ अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड अगेंस्ट सच इनकम. जैसे आपको बताया था हमने कि जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट इन केस ऑफ द इंडिविजुअल कितनी है, 2,50,000. उसके बाद स्लैब रेट में क्या लग जाता है, 2,50,000 एक से लेकर के 5 लाख रुपए तक, और 5 लाख से लेकर के 10 लाख तक. तो कई बार हम क्या करते थे कि अगर तो उसके पास कैपिटल गेन की इनकम है, अगर उसके पास अब यहां पर कैजुअल इनकम है, अगर मान लीजिए कि सिर्फ 50,000 ही कहीं पे एग्जॉस्ट हुआ है, तो 2 लाख की एग्जॉस्टन हम कर देते थे, लेकिन यहां पे दिस इज नॉट परमिटेड फ्रॉम द कैशियर इनकम. राइट, ओके, ग्रॉसिंग अप वेयर अर्निंग गिवन आफ्टर टीडीएस. बिल्कुल ग्रॉसिंग अप करेंगे क्योंकि ग्रॉस अमाउंट हम लेते हैं और जहां पे हमारा टीडीएस होगा, टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स. फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था टीडीएस एट प्रिस्क्राइब्ड रेट आउट ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स. देखिए, अगर विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, क्रॉसवर्ड पजल है, कार्ड गेम्स है, टीवी शोज है या फिर हॉर्स रेसिस है, उस केस में अगर आप 10,000 से ऊपर पैसा जीतते हो तो जाकर के आपका टीडीएस होगा. 10,000 रुपए तक आपका टैक्स इज नॉट टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, और वो जो टीडीएस का रेट है वो कितना है, वो है सर 30%. क्लियर है जी. सो इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम कौन कौन से हैं, कैमल रेसिस है या अदर रेसिस है या गैम्बलिंग और बैटिंग है, उसके ऊपर टीडीएस नहीं होता. तो ये न्यूमेरिकल में आपको ये पॉइंट तंग करेंगे. अब आप बोलेंगे कि ये इसकी ग्रॉसिंग अप कैसे करते हैं. सो दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द एसएससी आफ्टर बीइंग ग्रॉस्ड अप एज फॉलोस. तो ग्रॉस कैसे करते हैं, नेट विनिंग जो भी आपका नेट अमाउंट है, रिसीव है, विनिंग्स है, इनटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस रेट ऑफ टीडीएस. तो यहां रेट ऑफ टीडीएस कितना है, 30% है. तो यहां पे 100 माइनस 30 यानी कि 70 से जो है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा आपके पास. राइट, अच्छा, तो ये हम अब इस सारी बातें जो है हम क्या करेंगे, इनको प्रूव करेंगे, जिसकी वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ट हो. लेकिन एक इसमें एक और कंडीशन है हमारे पास,
एंड दैट कंडीशन इज इनकम डिराइव्ड फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेज इज नॉट ए कैजुअल इनकम। हाँ जी आगे जी, अब आपको याद वहां पे मैंने क्या बताया था आपको, जब मैं विजय मालिया का केस आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मैंने कहा ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेज जनरली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में तो लिया जाता है, लेकिन वो कैजुअल इनकम का पार्ट नहीं होगा। ठीक है जी, सो इसलिए इसके ऊपर जो है वो जो स्पेशल रेट है 30% वाला वो नहीं लगेगा। जो अगर नहीं लगेगा तो मैंने आपको बताया विजय मालिया ने इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दे लिया था, और बाकी की इनकम जो एयरलाइंस की इनकम है उसको आपने इसमें पीजीबीपी में शो कर दिया था। तो सिंपल सी बात है कि अगर वो पीजीबीपी की तरह इसकी जो ट्रीटमेंट करेगा तो नेचुरली इस यहां पे भी जो भी एक्सपेंसेस उसके लगेंगे इनको हॉर्सेस को ओन और मेंटेन करने के लिए उस अमाउंट का जो एक्सपेंस होगा एक्सपेंडिचर होगा वो दैट इज टू बी अलाउड हियर एज अ डिडक्शन। अदरवाइज हमने क्या पढ़ा था कि नो एक्सपेंडिचर अलाउज कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम, लेकिन यहां पे होगा क्योंकि इसके पीछे की हिस्ट्री जो है मैंने पीछे वाले वीडियो में आपको बता रखी है। तो चलिए जी, अब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाते हैं और ये जितने भी हमने कंसेप्ट डिस्कस करे हैं इन कंसेप्ट को आपके साथ शेयर करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। तो ये है जी मिस्टर ए हु गिव्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ द इनकम। उन्होंने कहा इनकम फ्रॉम सैलरी है मेरी 80,000 रुपए, लॉटरी लगी है उनकी 3,00,000 रुपए की, और लॉटरी टिकट जो खरीदे थे उन्होंने 10,000 रुपए के लॉटरी टिकट खरीदे थे उसके ऊपर उसको लॉटरी लगी है 30,000 रुपए की। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स है जी 80,000 रुपए का, और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट परचेज कर लिए हैं 1,80,000, और आपको पता है कि ये 80C के अंदर जो है उनको क्या मिलती है डिडक्शन मिलती है, और आपको कहा जा रहा है कि कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ओके जी, तो देखिए अब टोटल इनकम की बात है तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल की तरफ को भी लेके जा रहा हूं। तो कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर, मान लीजिए 2020-21 कर देता हूं। तो सबसे पहले है मेरे पास इनकम फ्रॉम सैलरी बिल्कुल 80,000 हमने यहां लिख दी, उसके बाद ना तो हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है, ना प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन से इनकम है, ना कैपिटल गेन से इनकम है, तो हम चलते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। तो पहली इनकम है हमारे पास लॉटरी की इनकम है, लॉटरी की इनकम 3,00,000 रुपए है, लेकिन आपको पता है कि लॉटरी की इनकम में से जो लॉटरी के टिकट के एक्सपेंसेस हैं तो यहां आप नोट लिख सकते हैं। देखो भाई आपको तो एग्जामिनर को इंप्रेस करना है तो आप क्या नोट लिखेंगे यहां पे, यहां लिखेंगे सर कि जो भी कैजुअल इनकम होती है उस कैजुअल इनकम को अर्न करने के लिए जितने भी एक्सपेंसिस किए जाते हैं दैट एक्सपेंसिस आर नॉट टू बी अलाउड हियर एज ए डिडक्शन। ठीक है जी, इसलिए जो है हम इसमें से सिर्फ 3,00,000 रुपए की इनकम ही लेंगे। लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स, और आपको यह भी पता है कि हम सिर्फ विनिंग वर्ड है, लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स जो है वो नहीं लेते, इसलिए यहां पे लॉस फ्रॉम कार्ड गेम्स 80,000 यहां पे टैक्सेबल नहीं होगा। इसका भी आपके पास नोट नंबर 2 चला जाएगा, ओनली विनिंग। अच्छा जी, एनएससी परचेज 80C के अंदर डिडक्शन मिलती है, तो इसलिए ग्रॉस टोटल इनकम, तो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इनकम होगी 3,00,000 रुपए, सैलरी से मेरी 80,000 रुपए, इसलिए ग्रॉस टोटल इनकम मेरा कितना हो गया 3,80,000 रुपीज। क्लियर है जी, ओके। उसके बाद है लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A के अंदर जो है 80C में एनएससी परचेज किए हैं 1,20,000 रुपए के, लेकिन आपको पता है कि जो एनएससी की जो डिडक्शन है वो सिर्फ आपको किससे मिलेगी, वो तो सर हमने अभी पढ़ा है कि कैजुअल इनकम से नहीं मिलती, सिर्फ इसका मतलब है सैलरी से मिलेगी। तो यहां तो एनएससी उसने 1,20,000 के परचेज किए हैं, लेकिन आपकी सैलरी की इनकम सिर्फ कितनी है 80,000 रुपए, इसलिए आपको 1,20,000 नहीं मिलेगा, यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट टू द इनकम अदर देन कैजुअल इनकम, इसलिए वो 80,000 रुपए पे हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा। कंसेप्ट क्लियर हो गया, बस ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आपको न्यूमेरिकल में होंगे जो मैं आपको यहां पर क्लेरिफाई कर रहा हूं जानबूझ करके क्वेश्चन बना करके। तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल इनकम आ रही है वो यहां से माइनस हो गया एनएससी, और ये होगी मेरी टोटल इनकम 3,00,000 रुपए। कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, कैजुअल इनकम के ऊपर आपको पता है अभी हमने पढ़ा है कि स्पेशल रेट लगता है, तो इनकम कितनी है मेरी सारी की सारी कैजुअल है, क्योंकि 80,000 की सैलरी की तो सीधी मुझे क्या मिल गई है डिडक्शन मिल गई है, इसलिए 3,00,000 रुपए के ऊपर 30% अंडर सेक्शन 115BB के अंदर जो है 90,000 है। अब उसकी इनकम जो है 5,00,000 से कम है तो लेस रिबेट अंडर सेक्शन 80CA बिल्कुल यहां पे आपको ये मिल सकती है, रिबेट मिल सकती है, दैट इज ऑफ 12,500 रुपीज है। इस तरह से मेरी इनकम आ गई आफ्टर रिबेट 77,500, हेल्थ एंड एजुकेशन से एट द रेट ऑफ 5% 3,100, सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू 80,600।
तो इस क्वेश्चन के थ्रू हमने आपको ये कंसेप्ट ये बताया कि कौन सा वर्ड जो है वो विनिंग वर्ड टैक्सेबल होता है और क्या एक्सपेंसेस उसमें से माइनस होते हैं कि नहीं होते हैं, और साथ में आपको रिवेट वाला जो 87A का कंसेप्ट था वो भी हमने आपसे शेयर किया। तो चलिए जी एक और क्वेश्चन लेकर के हम कोई नया कंसेप्ट जो है जो हमने अभी अभी पढ़ा है उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। मिस्टर ए अर्न फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द दिस ईयर, ठीक है जी, सैलरी रिसीव्ड आफ्टर टीडीएस ऑफ ₹1,00,000। ओके सर, इनकम फ्रॉम सैलरी में भी हमने डिस्कस किया था कि अगर टीडीएस के बाद आपको सैलरी होती है तो टीडीएस को हम एडिड बैक करते हैं और फिर ग्रॉस सैलरी लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं जो सैलरी का चैप्टर भी आपके माइंड में अभी भी ताजा है। विनिंग्स फ्रॉम कार्ड गेम्स, ये भी नेट है, देखो नेट अमाउंट है, ग्रॉस नहीं है, इसका मतलब इसमें से भी टीडीएस कटा है, 1,40,000 है। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, हाँ जी ध्यान रखना जी ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस है, ₹2,00,000। एनएससी परचेस्ड, ये भी 80C के अंडर डिडक्शन मिलती है, 1,80,000 है। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, इसकी डिडक्शन मिलती है सर 80G के अंडर। अभी आपने देखा होगा कोविड के अंदर भी लोगों ने जो है वो कंट्रीब्यूट किया है और वो जो कंट्रीब्यूशन दिया गया वो 80G के अंदर जो है वो अलाउड है और 100% के साथ है। कुछ रेट 50% के साथ होते हैं लेकिन ये 100% के साथ है। तो कंप्यूट द टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी। ओके सो लेट अस मूव टू वर्ड द कंप्यूटेशन। तो देखिए जी इनकम फ्रॉम सैलरी सर अभी अभी हमने बात करी थी, बेसिक सैलरी यानी कि ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी कितनी है 9,00,000, एड टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कितना आ गया 1,00,000 हो गया, तो इसलिए ग्रॉस सैलरी आपके पास कितनी होगी 10,00,000 की। तो यहां हम कौन कौन सी सैलरी लेते हैं जी 10,00,000, ये सैलरी में हमने पढ़ा है। अच्छा अब यहां पे हमारे पास क्या है, सैलरी की इनकम सिर्फ यही है तो यहां से हम स्टैंडर्ड डिडक्शन दे देते हैं। क्यों दे देते हैं, क्योंकि सर वो कंडीशंस पूरी कर रहा है। कैसी कंडीशंस है, एक तो सर वो इंडिविजुअल है, बिल्कुल सही बात है, एक सर वो रेजिडेंट है, बिल्कुल सही बात है। तो जब दोनों कंडीशंस फुलफिल हो गई हैं तो इसका मतलब है उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी मिलेगी। अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन है तो अंडर सेक्शन 16 के अंदर जो है वो कितनी होती है जी ₹50,000। तो इस तरह से मेरी जो सैलरी की इनकम है वो कितनी आ गई 9,50,000 रुपीज। दिस इज योर सैलरी इनकम, सैलरी इनकम 9,50,000 हमने आउटर कॉलम में ले लिया। नेक्स्ट चलते हैं जी हमारे पास अदर सोर्सेज की इनकम है, जैसे हमारे पास क्या है कार्ड गेम्स है, क्या लिखा है जी नेट अमाउंट है, नेट अमाउंट है तो कार्ड गेम कौन सी इनकम है, कैजुअल इनकम है सर, अभी अभी पढ़ा है हमने। अगर कैजुअल इनकम है तो हम उसकी ग्रॉसिंग अप समझा रहे हैं अब आपको। तो इनकम फ्रॉम कार्ड गेम्स जो है ग्रॉसिंग अप कितना अमाउंट मिला नेट 1,40,000 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस टीडीएस, टीडीएस का रेट क्या होता है सर 30%, तो 100 माइनस 30 विच इज इक्वल टू 70 से इसको डिवाइड किया और ये मेरे पास 0 टू ये, तो अब मेरे पास कितना आ गया 2,00,000। नेक्स्ट है सर इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, बिल्कुल अब कितना है 2,00,000 का, ये लो 2,00,000 हो गया। तो इस तरह से मेरी इनकम होगी। हाँ इसमें ध्यान रखूं कि ओटिंग एंड मेंटेनिंग जो है वो आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टैक्सेबल है लेकिन स्पेशल रेट नहीं लगेगा इसमें। ओके तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इज इक्वल टू 4,00,000। तो 4,00,000 को भी मैं कहां ले गया जी आउटर कॉलम में ले गया, ठीक है। अगर हम आउटर कॉलम में लेंगे तो दोनों का अगर किया तो हमारे पास क्या आ गया ग्रॉस टोटल इनकम GTI विच इज इक्वल टू 9,50,000 प्लस 4,00,000 विच इज इक्वल टू 13,50,000 रुपीज, ठीक है। अच्छा जी अब उसने क्या किया एनएससी परचेज कर लिया, एनएससी परचेज कर लिया तो 80C में मिलती है। अब 80C में जो है वो कितना दिया उन्होंने 1,80,000, लेकिन आपको पता है कि 80C की जो रिस्ट्रिक्शन है वो सिर्फ 1,50,000 रुपए तक है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आपको बता रहा हूं, अभी हम डिडक्शन में कुछ डिस्कस कर रखा है हमने सैलरी के साथ, कुछ हम डिस्कस साथ साथ कर रहे हैं और कुछ जो है बाद में करेंगे, तो इसलिए आप जो आपको एक्सपर्ट बना के छोड़ेंगे। सो अंडर सेक्शन 80C 1,80,000 है लेकिन मैक्सिमम अमाउंट विच इज अलाउड दैट इज 1,50,000। 80G की डोनेशन जो है वो किसमें है 100% में है, तो इसलिए वो इसमें कोई लिमिट नहीं है, ध्यान बताना इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जितना मर्जी आप दे दो प्राइम मिनिस्टर को और प्राइम मिनिस्टर फर्दर जो है किसमें पैसे लगा देते हैं। अब जैसे आपके सामने ही है कि ये उत्तराखंड में जो महाप्रलय हुआ है,
अब इसको भी अगर नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर जो है अपने रिलीफ फंड से जो है पैसा विक्टिम्स को दे सकते हैं। क्लियर है यहां पे? ओके, तो इस तरह से क्या है कि यहां पे कोई लिमिट नहीं है और 100% है। कुछ है जहां 50% का लगता है, यानी कि अगर आपने यहां 2.5 लाख दिया तो 1/25 की मिलेगी, क्वालिफाइंग अमाउंट 1/25 होगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। तो 4 लाख रुपए हो गया जी डिडक्शन, तो 30,50,000 में से 4 लाख हमारा माइनस हो गया, तो टोटल इनकम मेरी 9,50,000। ये मैंने आपका इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे टैक्स लाइबिलिटी के लिए नेक्स्ट पेज में जाना पड़ना था, इसलिए मैंने कहा नेक्स्ट पेज में जाने से पहले आपको ये बता देता हूं कि ये जो डिडक्शन होती है ना सेक्शन 6A इज क्लेम्ड अगेंस्ट द इनकम अदर देन कैजुअल इनकम। अब ये जो 4 लाख रुपए है ये किसमें से हुआ होगा? सर ये तो सैलरी इनकम से हुआ है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इसमें जो कैजुअल इनकम होती है उसमें से आप डिडक्शन सेक्टर 6A के अंदर नहीं दे सकते। बहुत सही सुना आपने। तो देखिए यहां पे मेरे पास जो कैजुअल इनकम है वो ये है 2 लाख, ठीक है 2 लाख हो गया, क्योंकि ये वाली जो है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होती है लेकिन कैजुअल इनकम नहीं होती, और कैजुअल इनकम के अगेंस्ट जो है वो डिडक्शन नहीं मिलती। ये वाला पॉइंट न्यूमेरिकल में होता है, इसलिए ये अलग से मैं इसकी बात कर रहा हूं आपसे। तो 9,50,000 में सिर्फ मेरी ये है 2 लाख रुपए कैजुअल इनकम, और अदर देन कैजुअल इनकम कितनी होगी? 7,50,000। सर ये दोबारा समय बताइए, देखिए सैलरी की इनकम 9,50,000, उसमें से 2 लाख रुपए आपकी ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसिस हो गई, कितना हो गया 11,50,000 रुपीज, और 11,50,000 में से आपकी जो डिडक्शन है वो कितने की मिली 4 लाख की। ये लो जी 4 लाख की डिडक्शन इसमें से, 4 लाख रुपए की डिडक्शन इसमें से मिल गई 9,50,000, और मेंटेनिंग ऑफ हॉर्स रेसिस कितना हो गया 11,50,000 में से 4 लाख की आपको डिडक्शन मिल गई, आपके पास इनकम अदर देन कैजुअल इनकम कितनी बच गई 7,50,000। बस वही डिवीजन मैंने यहां किया, तो कैजुअल इनकम और 7,50,000 रुपए कैसे आ गया ये मैंने आपको यही समझा दिया। अदरवाइज मुझे न्यूमेरिकल में तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने वर्किंग में एक तरह से आपको ये बता दिया क्योंकि मुझे टैक्स लाइबिलिटी के लिए अलग से पेज के ऊपर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशन आपके से शेयर कर ली। हां जी यहां तक बात क्लियर है? क्योंकि ये वाला पॉइंट मैंने यहां पे आपको लिख दिया, डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A इज क्लेम अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर देन कैजुअल इनकम, और अदर देन कैजुअल इनकम मेरी कौन सी है फिर बता देता हूं दोबारा से, 9,50,000 और 2 लाख रुपीज, दोनों का टोटल करूंगा तो कितना हो गया 11,50,000 रुपए, और 11,50,000 में से 4 लाख रुपए की मेरे को इसमें से मिलेगी ना आपको, तो कितना हो गया जी 7,50,000 रुपीज, और कैजुअल इनकम कितनी रहेगी 2 लाख, और टोटल इनकम कितनी होगी 9,50,000 रुपीज। ये देखिए तो 2 लाख और 7,50,000। ओके, तो अब चलते हैं जी हम इसकी कंप्यूटेशन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी। ओके, ऑन कैजुअल इनकम कितनी चीज 2 लाख, 2 लाख के ऊपर तो क्या लगेगा जी स्पेशल रेट लगेगा सर, स्पेशल रेट कितना है 30% है, टीडीएस रेट का भी कितना है 30% है, कितना हो गया जी 60,000 रुपए। ऑन अदर इनकम इसके ऊपर क्या लगता है जी स्लैब रेट लगता है, उसके ऊपर क्या लगता है जी स्लैब रेट। सर अभी दोबारा से बताओ, ये देखिए अब ये पॉइंट डिस्कस किया मैंने, नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A अंडर सेक्शन 80C-80U, ये भी बात आपसे शेयर कर ली हमने। अच्छा, और उसके बाद है नो एक्सपेंडिचर अलाउंस कैन बी अलाउड फ्रॉम सच इनकम, और एक बात करी हमने कि ग्रॉसिंग अप जो है उसकी ग्रॉसिंग अप हमें करनी पड़ेगी जहां पे हमारा, और साथ में एक ये विनिंग आर चार्जेबल टू टैक्स एज पर सेक्शन 115B दैट प्रोवाइड्स अ कैजुअल इनकम विल बी टैक्स एट ए फ्लैट रेट ऑफ 30%, और बाकी की इनकम के ऊपर जो है वो क्या लगता है जी स्लैब रेट लगता है। ठीक है, तो बाकी की इनकम मेरे पास कितनी रहेगी जी यहां पे 2 लाख के ऊपर तो मैंने कर दिया 30%, बाकी 7,50,000 के ऊपर तो आपको पता है कि वो अप टू 2,50,000 कितना होता है नील होता है, 2,50,000 एक रुपए से लेकर के 5 लाख तक एट द रेट ऑफ 5% कितना हो गया जी 2,50,000 का 5% 12,500, फिर 5 लाख एक से लेकर के 7,50,000 तक 2,50,000 का 20% कितना हो गया जी 5,000, इस तरह से 50,000। अब मेरे पास 50,000 प्लस 12,500 62,500,
और ये मेरी टैक्स लाइबिलिटी आ गई मेरी स्लैब रेट से 62,500। सो टैक्स बिफोर सेस कितना होगा जी 1,22,500। उसमें अब हम ऐड करेंगे हायर एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4% और वो बन गया मेरा 4,900। सो टोटल टैक्स लाइबिलिटी इज इक्वल टू 1,27,500। अब इसमें एक पॉइंट और आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, लेस टीडीएस। अब टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स, बताइए जी टीडीएस कितना कितना घटा है उसने। सर 1,00,000 रुपया तो उसने सैलरी पे दे रखा है, कहां पे है ये देखिए टीडीएस 1,00,000 रुपया उसने सैलरी पे दे रखा है। और दूसरा हमने ग्रॉसिंग अप के टाइम में कैलकुलेशन करी थी, ये 2,00,000 रुपये उसकी ग्रॉस है और 1,40,000 उसको नेट मिला है। इसका मतलब है कि 60,000 रुपए उसने क्या कर रखा है, कार्ड गेम्स के ऊपर टीडीएस करवा रखा है। हाँ जी क्लियर होगी जी बात। तो सैलरी के ऊपर 1,00,000 रुपए, कार्ड गेम्स के उसने 60,000 रुपए टीडीएस कर रखा है, तो 1,60,000 तो उसने पहले दे रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइबिलिटी कितनी बन रही थी 1,27,500 और आपने टैक्स पहले कितना कटवा रखा है 1,60,000। तो इसका मतलब है कि रिफंड बन रहा है आपको, आपको पैसा वापिस आएगा कितना 32,600। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लेट करेगा तो आपको विद इंटरेस्ट आएगा, और जो डिलेड पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट होता है वो दोबारा से कहां टैक्सेबल होता है, सर वो पढ़ा है हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ही टैक्सेबल होता है। ओके तो एक हमने अब इसके साथ हमने ये वाले कंसेप्ट भी आपके साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा जी अब उसके बाद जो है एक और कंसेप्ट जो है आपके साथ इसी का कैजुअल इनकम का जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिस्टर ए रेजिडेंट ऑफ शिमला हु इज 62 ईयर्स ओल्ड फर्निश्ड द फॉलोइंग इनकम्स, कंप्यूट टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है जी कर लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ओके 4,00,000, स्पेशल इनकम तो नहीं है, कैजुअल इनकम है, कैजुअल इनकम नहीं है लेकिन इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगी। ठीक है, प्राइज मनी नेट मिला है 70,000 और मेडिकल क्लेम पॉलिसी प्रीमियम पेड 15,000। और आपको बता देता हूं कि ये 80D के अंडर जो है मेडिक्लेम का डिडक्शन मिलता है। ओके सो कंप्यूटेशन ऑफ द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। तो हमारे पास सारी इनकम जो है किसकी है, अदर सोर्सेज की इनकम है। तो पहली है लेकिन अदर देन कैजुअल इनकम है, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द हॉर्स रेसेस, सर कितनी 4,00,000 रुपए लो जी। उसके बाद है प्राइज मनी, प्राइज मनी जो नेट है इसलिए इसको ग्रॉसअप करना पड़ेगा, और आपको पता है कि यहां रेट देने रखा लेकिन हमें पता है कि 30% टीडीएस लगता है, तो इसलिए अमाउंट कितना 70,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस टीडीएस, टीडीएस कितना 30%, तो ये मेरे पास ये आ जाता है 70 को मैं इसके साथ अगर डिवाइड करूं तो ये मेरे पास 1,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 विच इज इक्वल टू 1,00,000 रुपीज। इस तरह से मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना बन गया जी 5,00,000 रुपए। अब 5,00,000 रुपए के ऊपर 6 में 80D के अंदर जो है मेडिक्लेम अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो उसके ऊपर 80D के अंदर आपको डिडक्शन मिल जाते हैं, इसलिए वो 15,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिल रही है। ओके तो इस तरह से ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शन लेस कर दी तो मेरे पास टोटल इनकम कितनी आ गई 4,85,000। अब मुझे कैलकुलेट करनी है टैक्स लाइबिलिटी, तो मैं नेक्स्ट पेज ना करके यहीं पे क्रिएट कर दी मैंने जगह पे। तो कंपटीशन ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी, कैजुअल इनकम के ऊपर कितना है जी 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए हमारी कैजुअल इनकम है, कौन सी सिर्फ प्राइज मनी है, प्राइज मनी ही कैजुअल इनकम है, तो 30% के हिसाब से 30,000 रुपए। अदर इनकम कितनी होगी 4,85,000 रुपए। अब 4,85,000 के ऊपर क्या लगेगा जी, अप टू 2,50,000 क्या होता है जी नील होता है, और 2,50,000 से लेके 5,00,000 तक, लेकिन यहां हमारे पास कितना है 4,85,000 है। ठीक है जी 0,005 और यहां पे मेरा सॉरी ये बन गया मेरा 4,85,000 माइनस 2,50,000 रुपीज 0,005 और ये बन गया मेरा 2,35,000 और 2,35,000 का 5% जो है वो बन रहा है मेरा 4,250। ये आप यहां पे लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं जी यहां पे हम ये स्लैब रेट्स लगा दें, तो इस तरह से मेरा बन गया जी 34,250। अब 5,00,000 से कम है इसलिए रिबेट जो है मेरे पास 87A की 12,500,
और इनकम अब बच गया मेरा टैक्स कितना 21,750, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% के हिसाब से 870 और 22,620 रुपए। लेकिन दोबारा से यहां टीडीएस कितना कर रखा है सर, 30,000 रुपए का टीडीएस है। अगर 30,000 टीडीएस है पहले कटवा रखे हैं तो दोबारा से यहां रिफंड आ जाएगा। तो ये रिफंड जो है आपके पास 30,000 में से 22,620 अगर आप लेस करेंगे तो नियर अबाउट 380 यानी कि 7380 जो है वो आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे भी हमारे पास क्या हो गया, रिफंड हो गया। तो इस तरह से जो आपके साथ आज हमने जो डिस्कशन करी वो थी कैजुअल इनकम की। जो कैजुअल इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहता है कि इस इनकम को लूं, स्पेशल रेट लगाऊं कि नहीं लगाऊं। और उसके लिए जो मेन आइटम है वो थी आपके पास, जैसे कैमल रेसेस की बात है, मोटर कार रैली की बात थी, इसमें जो ज्यादा कंफ्यूजन था। लेकिन आपको कंफ्यूजन है क्योंकि हमने वो आपको पूरा वो गेम बता दिया था कि इस गेम में होता क्या है, ग्रॉसिंग अप कैसे करते हैं। और फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी हमने, ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द हॉर्स रेसेस की बात है। वहां वो वाली चीज जो है वो अदर सोर्सेस की इनकम तो है लेकिन कैजुअल इनकम नहीं होती वो। अब कैजुअल इनकम क्यों नहीं होती उसके पीछे का लॉजिक हमने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और इंपॉर्टेंट इनकम के साथ आपके पास आएंगे और वहां पे आपको नेक्स्ट इनकम की क्लियरिटी देंगे। जितनी थ्योरी आपकी स्ट्रांग होगी न्यूमेरिकल में उतना ही कम समय लगेगा।